दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी के वो 14 रहस्य जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है, प्लीज बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्ट सेमीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण जी इनके पास बैठकर उनके प्रवचन सुना करते थे। हालांकि जैन धर्म ने कृष्ण को उनके 63 शलाका पुरुषों में शामिल किया है, जो 9 वासुदेवों में से एक हैं। 3112 ईस्वी पूर्व भगवान श्री राजनीतिक, आध्यात्मिक और योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो हर तरह की विद्याओं में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण जी का पहले रहस्यमय तथ्य, भगवान श्री कृष्ण जी किस रंग के थे? तो दोस्तों, जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण जी की त्वचा का रंग काला, ज़्यादातर लोग श्याम रंग मानते हैं, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद दिन अस्त होने पर आसमान काले जैसा नीला हो जाता है, लेकिन दोस्तों असल में उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था। भगवान श्री कृष्ण जी का दूसरा रहस्य, प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से मादक गंध निकलती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती थी, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध, द्रौपदी ने चंदन, उपटन और इत्र आदि का कार्य किया, जिसके चलते उनको सुरंधरी कहा जाने लगा। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से निकलने वाली सुगंध गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती है। भगवान श्री कृष्ण जी की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारी पट्टू विद्या में निपुण थे। मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला कोमल शरीर युद्ध के समय में अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण करण और द्रौपदी के शरीर में भी था। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, आत्मा आदि जगह पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभा क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण जी इसी प्रभा क्षेत्र में अपने कुल का नाश को देख कर वे बहुत ही व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेली ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों के तलवे में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय लिया। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने जब देह त्याग किया था, तब उनकी देह के केश ना तो श्वेत थे और ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार की झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र तक भी युवा ही थे। भगवान श्री कृष्ण जी का 5वां रहस्य, भगवान कृष्ण जी ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुस्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण जी की इस नगरी को विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं और मय दानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही भगवान राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले ही नष्ट हो चुकी थी। किसने नष्ट किया था द्वारिका को, यह सवाल आज भी बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेषों को ढूंढ लिया गया है। वहां उस समय जो बर्तन मिले हैं वो 1528 ईस्वी पूर्व अर्थात 3000 ईस्वी पूर्व के बताए जाते हैं। अब तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया है, उनका यही कहना है कि भगवान ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। ईसा मसीह थे भगवान कृष्ण के भक्त। उन्होंने कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान की साधना की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। भगवान श्री कृष्ण जी का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके जन्म की कला श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा से कुछ कुछ मिलती जुलती है। द बाइबल इन इंडिया में लिखा है कि जीसस क्रिस्ट और भगवान श्री कृष्ण जी एक थे। लुइस जैकोलियर फ्रांस के एक साहित्यकार और वकील थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में भगवान कृष्ण और क्राइस्ट पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। जीसस शब्द के विषय में
लुईस ने कहा है कि क्राइस्ट को जीजस नाम भी उनके अनुयायियों ने ही दिया। इसका संस्कृत में अर्थ है मूल तत्व। मार्शल आर्ट्स के जन्मदाता थे भगवान श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा और जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही मार्शल आर्ट्स के आविष्कारक थे। दरअसल इससे पहले कलारीपयट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की रही थी। जब मथुरा में दुष्ट रजत के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया गया था, श्री कृष्ण जी ने मार्शल आर्ट्स का विकास वज्र क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी नृत्य का एक रूप है। कलारीपयट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण जी को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण जी ने कलारीपयट्टू की नींव रखी, जो बाद में बौद्ध धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट्स तक में विकसित हुई। बौद्ध धर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान, बौद्ध आदि राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटका में प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सिखा रखा था। डांडिया रास इसी का ही एक रूप है। मार्शल आर्ट्स के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत की सबसे भयंकर और प्रहारक सेना माना जाता था। भगवान परशुराम जी ने दिया था सुदर्शन चक्र। श्री कृष्ण जी के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्य अस्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई थी। इसके अलावा उनके पास प्रसव अस्त्र भी था, जो शिव, वसुगण और भीष्म के पास भी था। नौवां रहस्यमय तथ्य, भगवान शिव और कृष्ण जी का जीवाणु युद्ध हुआ। प्रचलित मान्यता के अनुसार कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शौनितपुर के राजा वाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। वाणासुर को अनिरुद्ध उषा का प्रेम पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया था। वाणासुर को शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव को इसके कारण श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा। अंत में देवताओं के समझाने के बाद यह युद्ध रुका था। भगवान श्री कृष्ण जी 64 कलाओं में दक्ष थे। एक और वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे तो दूसरी ओर द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड़ग का नाम नंदक था, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण जी के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र और दूसरे रथ का नाम गरुड़ध्वज था। उसके सारथी का नाम दारुक और उसके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। कृष्ण जी के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उनकी 16 पटरानियां थी, लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 ही पत्नियां थी। श्री कृष्ण जी की जिन 16 पटरानियों के बारे में जाना जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थी, जिनको भगवान श्री कृष्ण जी ने मुक्त करवाया था। ये महिलाएं किसी की माँ, किसी की बहन तो किसी की पत्नियां थी, जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। दरअसल ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद और जनश्रुतियों में इसका जिक्र है कि राधा, ललिता आदि उनकी प्रेमिकाएं थी। राधा की कुछ सखियां भी कृष्ण से प्रेम करती थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुसार कृष्ण की कुछ ही प्रेमिकाएं थी, जिनके नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शैव्य, पद्धा, राधा, ललिता, विशाखा और भद्रा। ललिता नाम की प्रेमिका को मोक्ष नहीं मिल पाया था, तो बाद में उसने मीरा के नाम से जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेमिका राधा का जिक्र महाभारत में कहीं नहीं मिलता। इसके अलावा सबसे पुराने हरिवंश और विष्णु पुराण में भी, भागवत पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में कहा जाता है कि संभवतः यह चाणक्य या गुप्त काल में लिखा गया होगा। ऋषि सांदीपनी को जब गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा गया, तब गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठाकर आप उसे वापस ले आए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण जी ने गुरु के पुत्र को कई जगह ढूंढा और अंत में वे समुद्र के किनारे चले गए, जहां उन्हें पता लगा कि असुर उसे समुद्र में ले गए हैं। तो श्री कृष्ण जी भी वहां पहुंच गए।
और उसके बाद पता लगा कि उसे तो यमराज ले गए हैं। तब श्री कृष्ण जी ने यमराज से गुरु के पुत्र को हासिल कर लिया और गुरु दक्षिणा पूर्ण की। अर्जुन संदर्भ। इसी तरह अर्जुन की चार चित्रा गंधा, द्रौपदी ने श्रुतकर्मा और सुभद्रा से अभिमन्यु, अलूपी से इरावत, चित्रागंधा से बब्रु वाहन नाम के पुत्रों की प्राप्ति हुई। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी, उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया था। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ।